हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट फिफ्थ करने जा रहे हैं, और मैंने जैसे कि कहा था कि पार्ट फोर्थ की वीडियो में मैंने कहा था ना कि पार्ट फोर्थ की वीडियो में सारे जो लिंक्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में गिवन होंगे, लेकिन वो अलो नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने सारे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और पार्ट फोर्थ का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में गिवन होगा, पार्ट सिक्स का भी अगर नहीं हुआ तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लीजिए। अवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विद लगेज एंड वाटर सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने एक बैलेंस डाइट की पिक्चर शो की है, वो खाना जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हो और साथ में लगेज और पानी भी हो, उसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट, जिसमें सब चीज़ें हमारी बॉडी को मिले। ठीक है, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, लगेज, वाटर सभी हमारी बॉडी को मिल रहे हैं, इसलिए ये कौन सी डाइट है, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, व्हेन वी टेक एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स इन द राइट अमाउंट अलॉन्ग विद द वाटर इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। अभी दूसरी डेफिनेशन दी है उन्होंने, क्या है, जब हम एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स इन राइट अमाउंट अलॉन्ग विद वाटर, अगर इन सभी चीज़ों को हम ठीक अमाउंट में लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए और पानी लेते हैं, उस सारी डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द फूड आइटम्स इन राइट प्रोपोर्शन नेसेसरी फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्थी एंड फिट। जो बैलेंस डाइट होती है ना, बैलेंस डाइट में बैलेंस डाइट में सभी फूड आइटम्स होते हैं ठीक प्रपोर्शन में, जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी को हेल्थी और फिट रखने के लिए वो सारे जो फूड आइटम्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, लगेज एंड वाटर इन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस्ड। बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं, वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, लगेज और वाटर ठीक अमाउंट में हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो जरूरी है, जितने जितने अमाउंट में उतने उतने हो, तो उसे हम कौन से डाइट कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट। फूड वेस्टेज, स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, नॉट एवरीवन इन अवर कंट्री गेट्स प्रॉपर एंड इनफ फूड टू ईट। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे जाने हैं जिन्हें प्रॉपर खाना और प्रॉपर और इनफ खाना, जितना उन्हें चाहिए उतना खाना उन्हें नहीं मिल पाता। सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस आर हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ मनी एंड इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स टू मीट डिमांड। उनमें से कुछ कारण क्या है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए सभी लोग खाना नहीं मिल रहा है, दूसरा एक तो मनी नहीं उनके पास खाना खरीदने के लिए, और तीसरा जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है बहुत कम हो रही है, जितनी डिमांड उससे कम हो रही है। एफर्ट्स आर बींग मेड वर्ल्ड वाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड टू प्रोवाइड फूड टू ऑल। बहुत सारे लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्शन है खाने की, जो खाना जो प्रोड्यूस होता है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस हो और सभी को खाना मिल सके। सो इट बिकम्स द मॉरल ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस टू ट्राई एंड स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड। तो ये हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम ये कोशिश करें कि जो खाना है वो वेस्ट ना हो। सम स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड आर, कुछ स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए फूड की वेस्टेज ना करने के लिए वो क्या है। फूड मस्ट बी प्रिपेयर ओनली इन रिक्वायर्ड क्वान्टिटी, ये नहीं कि बहुत सारा खाना पका लेना और बाद में उस खाने को बर्बाद कर देना। फूड जितनी हमें क्वान्टिटी में चाहिए उतनी क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टोर्ड इन द क्लोज कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स, फ्लाइज एंड, खाना बंद कंटेनर में, बंद डिब्बे में रखना चाहिए ताकि जो कीटाणु हैं, जो ये फ्लाइज, जो मक्खियाँ वगैरह, उन तक ना पहुँचे और जर्म्स ना फैलाएं। हीटिंग प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, और जो हीटिंग है हमें खाना हीट करके रखना चाहिए, गर्म करके रखना चाहिए, क्योंकि जो जब खाना हो जाता है तब वो खराब नहीं होता जल्दी। सर्टेन फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व जस्ट बाय ड्राइंग देम इन द सन, और बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी होती है जिन्हें बचाकर काफ़ी टाइम तक रखा जा सकता है जब हम उनसे सन में सुखा लेते हैं, दो तीन दिन सन में रखते हैं खुद सूख जाती है, फिर हम उन्हें काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। फूड कैन ऑल्सो भी रेफ्रिजरेटेड और फ्रीजन टू अवॉइड बैक्टीरियल ग्रोथ और अटैक, जो फूड है उसे हम फ्रिज और या रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं ताकि जो बैक्टीरिया फूड में ग्रो कर जाते हैं ना वो ना हो और हमारा फूड सेफ रहे। अब पार्ट सिक्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ग्रामर पार्ट की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विद मी, बाय बाय। और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।